बिहार में भी देख रहे हैं कि लाखों शिक्षक की बहाली निकले हुई है, 24 से 26 तक एग्जाम है। बताइए ये सरकार कितना इस माने इसको ऐसे कहेंगे कि सरकार की अक्रमण्यता। सरकार मीन्स एनसीटी, उसके क्योंकि शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार का होता है उसके अंतर्गत एनसीटी है, तो एनसीटी को करना क्या चाहिए था कि तत्कालीन सरकार को लिखना चाहिए था कि अभी इसको स्टॉप कीजिए। एनसीटी जो है ये प्योर पॉलिटिकल है और ये प्योर पॉलिटिकल डिसीजन लेता है। सिर्फ बीएड, आप बीएड की मांग कर रहे हैं, आप एक चीज़ को मानिए, सर्वप्रथम जो शिक्षक बनने की पात्रता है डीएलएड और बीएड, तो उसमें जितने बीएड कॉलेज को आप देखेंगे उसमें यहाँ प्रोफेसर ही नहीं है, शिक्षक की बहाली है, तो उसका असर पड़ना चाहिए था। एक तरफ आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो एनसीटी को मानता है, इससे कि एनसीटी ही गई थी, राष्ट्रीय शिक्षक जो शिक्षा परिषद है वो भी वहाँ गई थी, एक्चुअली राजस्थान सरकार के विरोध में गई थी, क्योंकि राजस्थान सरकार में जस्ट यही चीज़ लागू हुआ था, तो वहाँ के लोग जो थे खासकर एनसीटी ने कहा कि नहीं इसे हम बीएड वाले को मतलब भी परमिशन देंगे। पूरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश के लिए होता है, इसलिए कि एनसीटी ने चैलेंज किया था, तो एनसीटी का फैसला को उन्होंने रद्द किया नोटिफिकेशन को। तो अब ये 18 का था, 5 मई 2018 का जो नोटिफिकेशन था उसी के आधार पर था कि बीएड वाले भी प्राथमिक में होंगे, लेकिन उसमें एक दिया गया था कि 6 माह का ब्रिज कोर्स लोग कर लें। आप एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, अब जिला का नाम भी दे रहे हैं, अब स्टूडेंट तो जा करके देगा, जो अनएम्प्लॉयड है वो परीक्षा देगा, उसको धोखा होगा उसके साथ, कि जब लागू होगा ये नियम तो उसको तो मानता नहीं रहेगा। दृष्टिकोण से कानून चलता है, कानून जो है उसमें मानवीयता नहीं होती, जो सच होता है मेरिट पर चलता है, समझ गए, दया नहीं होता है कानून में। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फरमान आया, जिस फरमान में कहा गया कि जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। कौशलेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ तक आए। सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बीएड अभ्यर्थियों को लेकर, अब बीएड अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्या करेंगे अब जाकर? देखिए एनसीटी जो है ये प्योर पॉलिटिकल है और ये प्योर पॉलिटिकल डिसीजन लेता है। सिर्फ बीएड, आप बीएड की मांग कर रहे हैं, आप एक चीज़ को मानिए, सर्वप्रथम जो शिक्षक बनने की पात्रता है डीएलएड और बीएड, तो उसमें जितने बीएड कॉलेज को आप देखेंगे उसमें यहाँ प्रोफेसर ही नहीं है, तो वहीं से चोरी है, 4 प्रोफेसर पर ये लोग कॉलेज को चला रहा है। डीएलएड में भी वही बात है, अब रही कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, तो आपको ये पता होगा कि विगत दिन माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया, उसमें न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धुलिया इन्होंने फैसला दिया कि अब बीएड वाले नहीं बन पाएंगे। सरकार देखिए इस चीज़ को, आप बिहार के संदर्भ में हम बात करते हैं, अब यहाँ ही आप लीजिए तो यहाँ शिक्षक की बहाली है, तो उसका असर पड़ना चाहिए था। एक तरफ आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो एनसीटी को मानता है, इससे कि एनसीटी ही गई थी, राष्ट्रीय शिक्षक जो शिक्षा परिषद है वो भी वहाँ गई थी, एक्चुअली राजस्थान सरकार के विरोध में गई थी, क्योंकि राजस्थान सरकार में जस्ट यही चीज़ लागू हुआ था, तो वहाँ के लोग जो थे खासकर एनसीटी ने कहा कि नहीं इसे हम बीएड वाले को मतलब भी परमिशन देंगे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए, तो उसमें क्या हुआ दिक्कत कि ये लोग चले तो गए कि इनकी जो मांग थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया, यानी राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला जो था उसको सेट असाइड कर दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सिर्फ वो राजस्थान सरकार के माने राजस्थान गवर्नमेंट के लिए ही नहीं है, वो क्या है, पूरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश के लिए होता है, इसलिए कि एनसीटी ने चैलेंज किया था, तो एनसीटी का फैसला को उन्होंने रद्द किया नोटिफिकेशन को। तो अब ये 18 का था, 5 मई 2018 का जो नोटिफिकेशन था उसी के आधार पर था कि बीएड वाले भी प्राथमिक में होंगे, लेकिन उसमें एक दिया गया था कि 6 माह का ब्रिज कोर्स ये लोग कर लें, लेकिन किसी भी शिक्षक भी ये लोग ब्रिज कोर्स नहीं किया। ब्रिज कोर्स में क्या था कि विधिवत उनको जो छूट गया है ट्रेनिंग वगैरह वो दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई दिया नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति किया, कागज़ पर सब बना दिया कि नहीं ये लोग ब्रिज कोर्स किए हैं, वहाँ भी माने करप्शन रहा। तो इसके लिए नॉट ओनली द टीचर बट द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो इज गिल्टी। अब हम लोग बिहार के संदर्भ में आएंगे, अभी हम लोग कानून की बात किए, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कानून जब होता है तो पूरे देश में लागू होता है, हर एक हाई कोर्ट से लेकर के निचली तक व्यवस्थापिका कार्यपालिका सब में वो लागू होता है। बिहार में भी देख रहे हैं कि लाखों शिक्षक की बहाली निकले हुई है, 24 से 26 तक एग्जाम है। बताइए ये सरकार कितना इस माने इसको ऐसे कहेंगे कि सरकार की अक्रमण्यता।
सरकार मीन्स एनसीटी, उसके क्योंकि शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार का होता है उसके अंतर्गत एनसीटी है, तो एनसीटी को करना क्या चाहिए था कि तत्कालीन सरकार को लिखना चाहिए था कि अभी इसको स्टॉप कीजिए। आप एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, आप जिला का नाम भी दे रहे हैं, अब स्टूडेंट तो जा कर के देगा, जो अनएम्प्लॉयड है वो परीक्षा देगा, उसको धोखा होगा उसके साथ कि जब लागू होगा ये नियम तो उसको तो मानता नहीं रहेगा। लेकिन सरकार चाह रही है, खासकर बिहार के संदर्भ में, बिहार सरकार, अब आप देखेंगे कि जितनी भी स्टेट है इंडिया में सबसे ज़्यादा लाइन ऑर्डर का यहाँ पर समस्या है बिहार में, सबसे ज़्यादा करप्शन है बिहार में, सबसे ज़्यादा हत्या डकैती है। आप प्रतिदिन देख रहे हैं कि ये पटना में दर्जन लोग मारे जा रहे हैं, यानी इस रूप में हम कहेंगे कि जंगल राज की संज्ञा देने वाला महा जंगल राज बनाया, और अब जंगल राज और महा जंगल राज दोनों एक हो गए हैं, तो यहाँ तो मतलब होना ही है, करप्शन बढ़ना ही। सवाल ये है आपसे कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो बीएड पास है वो काफ़ी परेशान है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको देखते हुए क्या बिहार के बीएड किए हुए अभ्यर्थियों पर भी असर ये पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, पढ़ना ही भी चाहिए। आप अभ्यर्थी बीएड कर लिए इसलिए क्या, बीएड का आज के 10 साल पहले मानता था कि बीएड करेंगे तो आप हाई स्कूल में जाएंगे, इसमें सिंपैथेटिक और दृष्टिकोण से कानून चलता है, कानून जो है उसमें मानवीयता नहीं होती, जो सच होता है मेरिट पर चलता है, समझ गए, दया नहीं होता है कानून में। कोई मर्डर करने वाला भी आंख से आंसू रोने लगेगा तो उसको ये मिल जाएगा, सजा मुक्त हो जाता है। तो आप बीएड किए हैं हाई स्कूल में जाने के लिए, 10+2 में जाने के लिए, आप उसमें जाइए, इसमें कहाँ है? लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, नीतीश सरकार ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया 6-8 को लेकर, कुछ भी स्पष्ट नहीं, बस इतना ही। अभी मैं बार बार आपको कर, अब फिर वही पॉलिटिकल मुद्दा पर चले जाते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स से भी, एक जिम्मेवार नागरिक हैं और बिहार में जन्म लिए हैं, हम भी एक वोटर हैं, एक बिलोंग थोड़ा पार्टी से भी करते हैं, तो कहने का अर्थ हुआ कि आप ये बताइए कि नीतीश सरकार की कौन सी स्पष्ट रुख है। आप ये नीतीश जी के बहाली देखिए, क्या चीज़ में बहाल करते हैं, बढ़िया नर्स के बहाली करता है व्यक्ति, अब आप हमसे पूछ रहे हैं, आप देखिए स्वास्थ्य विभाग में, इस स्वास्थ्य विभाग में बहाली करेंगे नर्स के, कैसे खाली इनकर जाति के उसमें भरा हुआ है। आप जाके पीएमसी देखिए क्या दशा है, पीएमसी हम परसों गए थे एक मरीज को, आप विश्वास नहीं करेंगे, पीएमसीएच की लोग शमशान बना दिया है, शर्म आएगा, उनके जाति के भी मरीज जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उनको मतलब नहीं ज़्यादा सुविधा मिलता है। इस मामला में नीतीश कुमार ने 20 साल बिहार को पीछे ले गया एजुकेशन, और मतलब अभी देखें ना कि 91 पायदान पर बिहार का शिक्षा चला गया था, उसके पहले 28वां पर चला गया था, तो इसके लिए कौन दोषी है, नॉट ओनली द पब्लिक बट द गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑल्सो इज गिल्टी। बीपीएससी के अध्यक्ष जो हैं वो कह रहे हैं कि परीक्षा होगी अभ्यर्थियों को शामिल, परीक्षा बीपीएससी के अध्यक्ष इसलिए परीक्षा लेंगे कि वो माल कमाते हैं ना, बीपीएससी पहले ही से विवादास्पद भी इन्हीं के यहाँ हुआ, इतना बड़ा आईएएस, भ्रष्ट आईएएस, चोर आईएएस रंजीत कुमार सिंह को नीतीश कुमार ने जेल क्यों नहीं भेजा, जाति के नाम पर स्टेट, उसमें हम ही हाईकोर्ट में लेकर के आए थे पीआईएल, तो ट्रांसफर गुजरात में ही व्यक्ति ने किया सिर्फ रंजीत को, रंजीत से बड़ा कोई चोर था आईएएस, अगर नीतीश सरकार की नहीं रहती तो मतलब वो बच पाते, तो आप किस नीतीश कुमार की बात करते हैं, रंजीत को जाति के नाम पर इन्होंने बताया, रंजीत को जेल जाना चाहिए था बीपीएससी घोटाला में, हम ही पीआईएल लेकर गए थे तो गुजरात में धीरे से ट्रांसफर कर दिए, तो आप किस नीतीश की मानवीयता की बात करते हैं, देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अजी विधानसभा में जिसने कहा, यही तेजस्वी यादव ने कहा कि इनका एक पुत्र है, वो पुत्र का भी पता नहीं है कि इनके है कि नहीं है, जो इस तरह का चैलेंज दिया और उसको ये सरकार बनाने में मदद व्यक्ति करता है, तो ह्यूमिलिटी तो इस व्यक्ति के पास है ही नहीं, मोरल मोरलिटी नाम का चीज़ ही नहीं है। अब अच्छे लोग जो लड़ते हैं सरकार उसको फंसाती है, बहुत सारे राजनीतिकों के जेल भेजवाती है, इनकाउंटर करवा देती है, देखिए जो विरोध में पैदा होता है उसको मरवा देती है सरकार। आप ये बताइए कि बिहार को बर्बाद करने के लिए चपरासी को भी भाई चांसलर बना दिया है, कौन कहे, आरसीपी टैक्स लेते थे नीतीश कुमार को देते थे, उस समय अच्छा लगता था, ये चोर मौसा, किस भाजपा की जमीर की बात करते हैं, देखिए वो आरसीपी को ले लिया, उसमें आरसीपी वहाँ माला फूल करेंगे, वो व्यक्ति फंसा हुआ है सीबीआई से बचने के लिए, भ्रष्टाचार से सरकार जेल जाने के बचने से, फिर भाजपा में भाजपा के पास गंगा जल है, वो तो छीट देगी तो भाई बच जाएंगे। तो आप अभी बीपीएससी कर रहे हैं, आप हम टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं, आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर बात कर रहे हैं, बीपीएससी को तो फायदा होता है ना, वो परीक्षा कराने में करोड़ों रुपया वहाँ का चेयरमैन ले लेगा। सर सवाल ये है कि बीएड के अभ्यर्थी अगर परीक्षा दे देते हैं तो उन अभ्यर्थियों का फिर हम कहेंगे कि परीक्षा क्यों लेंगे, परीक्षा को स्टे करें,
परीक्षा कोष्टक करे जब जब एनसीटी का जब पिटीशन रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट, आपको बार बार हमने कहा कि न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धुलिया के बेंच ने जब बीएड को अमान्य करार दे दिया, तो फिर परीक्षा लेने का सवाल ही कैसा है। एक सामान्य माने देश का नागरिक है, वो भी कानून को सम्मान करता है, जान रहा है कि इसमें अब कुछ नहीं होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो ये लोग लूट खसोट करने के लिए फिर भाई भतीजा करेगा, फिर कहेगा कि ज्वाइन करा लिए। कुछ स्टेट का भी अपना पावर होता है, पेमेंट ये लोग दे ही देगा, भाई भतीजा करेगा, जातिवाद करेगा, सिर्फ घुसाएगा दो नंबर कर करके। 6-8 को लेकर सीट अगर दी जाती है तो क्या बीएड एकदम नहीं लेना चाहिए सिरे से? आपको पहले ही मैं बोला कि दया से कानून चलता है, है? कानून मेरिट से नहीं चलता है, वो सबके लिए बराबर होता है। कोई मर्डर आकर रोने लगेगा तो सजा मुक्त हो जाएगा, उसकी घड़ियाली आंसू होता है। तो बीएड में देखिए, बीएड जो करता है तो फिर डीएलएड को बंद कर देना चाहिए था। डीएलएड जो करता था उसको होता ही था कि प्राथमिक विद्यालय में होगा, बीएड वाले हाई स्कूल में जाएंगे। तो सरकार मतलब इस तरह से नौटंकी बना के रख दिया है, अभी तुरंत एग्जाम को मतलब स्टे कर देना चाहिए। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। ये व्यक्ति, आप एक छोटा सा बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात करता है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, जातीय जनगणना की बात करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, उनकी मुद्दा जातीय जनगणना में किसी का विकास नहीं है। ये नालंदा के छोड़ कर, एक जाति कुर्मी के छोड़ कर कहीं विकास किए हैं? कोई जाति का हमको बताइए, रेशियो देखिए जितना भरा हुआ है, पटना का पुलिस इंस्पेक्टर सब एक जाति को भर दिया तो क्राइम कहाँ से रुकेगा? सबसे भ्रष्टतम चोर आईएएस आरसीपी जैसा व्यक्ति बिहार में नंगा नृत्य किया ना, अब किस पर जनता तो उग रही है ना भाई, पॉलिटिक्स में फंस जाती है, जाति बिरादरी में फंस जाती है। वही भाजपा में आरसीपी चला गए तो शुद्ध हो गए, गंगाजल था, अभी बार बार आपको बता रहे हैं। तो नीतीश कुमार इससे ऊपर उठ ही नहीं सकता है व्यक्ति, वो सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं, और कोई बिहार में नियम कानून नहीं है। जब आप कह रहे हैं तो फिर परीक्षा हमको लेने की क्या जरूरत है? 24 से 28 तक सबका एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है, तो अब तो स्टे करें। उसमें न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, सुधांशु धुलिया, डबल बेंच का जजमेंट है, उस जजमेंट को अब लागू हो गया पूरे देश में। ये नौटंकी कर रहे हैं, बीपीएससी का चेयरमैन पैसा कमाएगा उसमें एग्जाम के नाम पर, अब फिर रद्द होगा। अब तो बीएड वाले को होना ही नहीं है, इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड का बार बार हो रहा है। आप ये बताइए कि बिहार का कितने बीएड कॉलेज जो है इंटीग्रेटेड कोर्स चला रहा है? ये लोग आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे पास डाटा है, कितना बार मैं उस पर हो हल्ला किया, यहाँ लेकर के आया कि एक एक शिक्षक जो बीएड कॉलेज में है, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करती है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में हो रहा है। हमारा वर्तमान ही जब खराब हो रहा है तो भविष्य कितना सुधरेगा? एक बीएड कॉलेज में, प्राइवेट बीएड कॉलेज है, दुकान खोल दिया है, सब माफिया लोग का, सब गुंडा, जितना अपराधी है, जितना विधायक है गुंडा क्रिमिनल अपराधी है, वो सब बीएड कॉलेज खोले हुए हैं। और उसमें किया है क्या कि आज अगर एक मान लीजिए पटना में जो बीएड कॉलेज में टीचर है, वही मुजफ्फरपुर में बीएड कॉलेज में टीचर है, वही गया में बीएड कॉलेज में टीचर है, एक नाम सिर्फ डाले हुए है जो एनसीटी का प्रावधान है कि इतना शिक्षक होना चाहिए, पेमेंट ये लोग नहीं देता है अकाउंट में, चेक से देता है, वहीं पर कैश लेता है। तो आप क्यों नहीं यूनिवर्सिटी मंगवा लेती है कि हमारे के यहाँ फंड दीजिए, जो हम आपके के यहाँ शिक्षक है उसका हमारे के यहाँ दीजिए पेमेंट, हम अपने अनुसार देते हैं। तो हर जगह करप्शन है, और ये बीपीएससी का चेयरमैन परीक्षा ले लेगा ही, देखिएगा ये जल्दबाजी में कर रहा है, क्योंकि ये बिहार का है, जब सब बर्बाद होता है ना तो बिहार उसमें सबसे पहले बर्बाद होता है, सब बर्बाद के चक्कर में उससे पहले ही बर्बाद हो जाना चाहता है, चाहती है, ऐसा स्टेट है। तो आज 17 साल नीतीश कुमार, जब आप जातीय मैं जनगणना की बात किया तो तुम्हारी आबादी तो 1% यहाँ है, तो सबसे पहले अब किसी यहाँ का, हम यहाँ तक कहते हैं कि एसटी को बना दो मुख्यमंत्री, एससी को बना दो मुख्यमंत्री, छोड़ो ना उसके लिए, तो ठगने का ये जाति की राजनीति है और उसके लिए जातीय जनगणना का राग अलाप रहा है। अरे यहाँ तो मिलना चाहिए भाई उसको ना, एससी एसटी नहीं बना है, कोई मतलब अदर अति पिछड़ा का मुख्यमंत्री दे दो तो खाली जाति जनगणना का वोट लोगा, 17 साल से मुख्यमंत्री रहोगे, कुर्मी से आगे नहीं निकलते हैं, एक जाति। देखिए परसों हम रो गए हैं, बता रहे हैं एक पेशेंट को देखने गए, माने आप पीएमसीएच का हथुआ बाट वगैरह में 10 मिनट रुक नहीं सकते, लगता है कि भो में टप कर दीजिएगा, अगर सामान गए हैं तो आप गिर जाइएगा वहाँ, ये स्थिति हो है। तो स्वास्थ्य कुछ नहीं, आप तेजस्वी कहाँ गए जी? तेजस्वी को सुधारना चाहिए था स्वास्थ्य व्यवस्था। तो जो जिस तेजस्वी यादव ने कहा कि एक नीतीश कुमार का एक पुत्र पैदा है, वो भी नीतीश कुमार से पैदा है कि नहीं है, उससे जाकर के सरकार जब बना लिया, डिप्टी सीएम उसको बना दिया अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो उस व्यक्ति को, उतना घृणित व्यक्ति को, उतना मतलब महानालायक व्यक्ति को आप नाम लेते हैं, इससे हमारी संस्कार घटती है। सत्ता में आना जाना अलग चीज़ है, मॉरल एस्टिमेशन, कहावत है कि गॉड मे लव दोज डाई यंग हु डाई इन सोशल वर्क, ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरता है और सामाजिक कार्य में मरता है। भगत सिंह लड़ा था, चंद्रशेखर आजाद लड़े थे तो उनकी जाति थी, वो जाति देखते थे उनकी, चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण था और वो बेचारा जब मरा तो उसकी माँ गोबर, कल देखे ना स्टोरी जो निकला है, गोबर चुन करके खाया, और जब पूछा गया कि आपका बेटा मार दिया सवे में, तो कहा कि बेटा मारा गया, मेरा बेटा तो शहीद हुआ है भारत माँ की लाज बनाने, उसमें जाति थी।
तो ऐसे पॉलिटिशियन, घृणित पॉलिटिशियन, ये लोग परिवार से ऊपर निकल ही नहीं रहा है। एकानवा पैदान पर उस बार गया, तो अगर आप ही ना करें कि बीपीएससी एग्जाम लेने जा रही है तो एग्जाम ही लेगी ही बीपीएससी, इसलिए कि इसमें करोड़ों का कॉपी में घोटाला ये लोग का होता है, जो इन्विजिलेटर होते हैं उसमें पैसे का घोटाला होता है, इसका कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता, कोई ऑडिट ये लोग नहीं कराता है, तो यही होगा। मेरा आप राय इस पर, हम आए हैं यहाँ तो आपको बता रहे हैं कि तुरंत ये जो एग्जाम शिक्षक का हो रहा है उसको तुरंत सरकार को कैंसिल कर देना चाहिए। जब बीएड का मानता ही नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच का फैसला है, तो फिर आप क्यों ले रहे हैं परीक्षा? इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं, एक सामान्य पब्लिक से भी आप सर्वे ले लीजिए कि यहाँ अंधा जो मैट्रिक पास होगा, फेल भी होगा, वो भी बता देगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, डबल बेंच का फैसला है, आप जा भी नहीं सकते हैं कहीं, तो फिर आप कैसे ले सकते हैं? क्यों एग्जाम ले रहे हैं? तो ये तो लूट है, जातिवाद है, घुसा रहा है, पहले ही से सेटिंग कर लिया, बीपीएससी का चेयरमैन को मिल गया कि इस जिला का सेंटर इस स्कूल में दे दो, वहाँ पर छपवा देगा ये लोग रिजल्ट को। बिहार में रिजल्ट छप रहा है 67वीं में, बिहार का सबसे घृणित आईएएस रंजीत कुमार सिंह, उस पर मैं यहाँ पीआईएल लेकर आया था। रंजीत कुमार सिंह को नीतीश कुमार क्यों बचाया? इसलिए कि उसके जाति का हुआ था, कुर्मी है रंजीत कुमार, उसको हम पटना कॉलेज जानते हैं, वो आईएएस भी बढ़िया से नहीं किया था उस समय, रंजीत डॉन का प्रोडक्ट है, उसको बेसिक कुछ ज्ञान है, और देखिए उसको जेल जाना चाहिए था। तो नीतीश कुमार जब हमारा आंदोलन हुआ, जब कोर्ट उस पर सक्रिय हुआ, तो बड़ी चलाकी से गुजरात कैडर में भेज दिया, ये व्यक्ति छोड़ा है जी, जितना शिक्षा विभाग से लिखे कोई विभाग में सब एक जाति का होना चाहिए, वहाँ से उठा करके बिहार मंगा के पूरा करप्शन बढ़ाए हुए हैं, प्रतिदिन पटना में 3-4 मार दे रहा है, जिसका मांग का सिंदूर धुल जा रहा है, जिस माँ का गोद चला जा रहा है, उसको कितना बित्ता होगा, लेकिन जनता भी यही चाहती है, उसको जाति से ऊपर उठती नहीं है। तो हम और इस पर हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा बेसिक मतलब सजेशन था, बेसिक जो मेरा आइडियोलॉजी था, वो आम जनमानस के बीच में आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक जन माध्यम का सबसे सशक्त रूप है, तो आपका उस रूप का मैंने भी सहारा लिया, आपने कहा तो मैं आया। और मेरा यही कहना है कि तत्काल जो है, जो बीपीएससी शिक्षक का एग्ज़ाम ले रहा है उसको रद्द करे, और बीएड वाला को छांटे, कैंसिल करे, डीएल वाले को लो सिर्फ। उसमें क्या होगा देखिए कि करप्शन रुक जाएगा, बेरोजगारी कम बढ़ेगी। पहले ऐसा ही था कि भाई जो प्राथमिक शिक्षक वाले ट्रेनिंग करेंगे वो प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे, मिडिल में जाएंगे, बीएड वाले जो है सो हाई स्कूल में जाएंगे, तो फिर कहाँ इसमें कन्फ्यूजन है? ये तो वर्तमान सरकार उलट पुलट कर दिया, भाई भतीजा में, जातिवाद में, तो यही चीज़ है। देखिए, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अभिवक्ता कौशलेंद्र नारायण थे हमारे साथ, डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ने तमाम बातें स्पष्ट कर दी है। तो वहीं जिस तरीके से अगर परीक्षा ली जाएगी इसमें क्या कुछ होगा, वो भी बातें साफ हो गई है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसको लेकर विश्लेषण कर रहे थे कौशलेंद्र नारायण, तो वहीं यह साफ कौशलेंद्र नारायण का कहना है कि परीक्षा अगर ली जाएगी तो बहाली फंस जाएगी। ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं परीक्षा को स्थगित करते हुए बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर देना चाहिए, तो वहीं जो पैसा होगा ही खेल है वो हो रहा है एग्जाम के माध्यम से। तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, क्या कुछ कह रहे थे पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक त्रिपाठी।